दोस्तों, अभी तक हमें दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन हमारी ट्रेन लेट हो गई तो हम लोग यहीं पर हैं। और अभी दिन के बज गए हैं 11। मैं आपको होटल का रूम दिखाना चाहूँगा। होटल है गंगा विलास, जहाँ पे एडिशनली हमें लेना पड़ा क्योंकि ट्रेन जो है लेट हो गई थी। तो इस होटल को कभी मत लीजिएगा, होटल नॉट रिकमेंडेड है। प्रीमियम में चार्ज किया गया है और सैटरडे संडे का दिन था, कोई रूम मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने अपना जो 1200-1200 के रूम होते हैं या 1500 के, उसको 2500-2500 रुपये चार्ज किया गया है। 5000 दो रूम के लगे हैं और बहुत ही बेकार है रूम की क्वालिटी। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या है इनका रूम। ये देखें, यहाँ पे दो बैठने की सीटिंग है और ये हो गया बेड, और बेड के अपोजिट में है ट्यूबलाइट जो आंखों के ऊपर लगती है। ठीक है, अलमारी वगैरह का नामो निशान नहीं है, कुर्सी टेबल कुछ नहीं, और एसी भी खराब, और रूम में दिक्कत ही दिक्कत है। एक तो स्पेस नहीं, ऊपर से चार्ज जो है अच्छे खासे रेट प्रीमियम पे चार्ज हुआ है पूरा तो। और लिफ्ट भी नहीं है, रोगियों के साथ आते हैं तो लिफ्ट होनी ज़रूरी है, तो लिफ्ट भी नहीं है होटल में। होटल बहुत ही बेकार है। तो ट्रिप में आखिरी दिन ज़्यादा मज़ा नहीं है, हमारी ट्रेन जो है लेट हो गई, तो कैब करके जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से जाएंगे आगरा। और ट्रेन पहले सुबह 6 बजे की थी, फिर करते करते 12 बजे हुई, फिर 1 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर उम्मीद मैंने छोड़ दी कि वो आ जाएगी भी, क्योंकि कल मैंने चेक किया कि कल कब आई थी वो ट्रेन, तो 7:30 बजे आई थी शाम में। तो ऐसे करते करते तो अगले अगले सुबह पहुँचते हम लोग, तो इसलिए जो है कैब कर लिए। सैटरडे संडे की भीड़ देखिए दोस्तों, टोल के आगे आधे घंटे से खड़े हैं। ट्रेन आ गई होती हमारी टाइम से, तो अब तक 2 बजे हम लोग घर होते, 2:30 बज रहे हैं, अभी भी ट्रेन का आने का कुछ आता पता नहीं है। ये दोस्तों मेरे मामा से जो है पहली बार मिल रहा है मेरा बबुआ, और ये देखे पेन चश्मा सब कुछ ले लिया और आराम से गोद में आ गया है, बिना कुछ हल्ला गुल्ला किया मस्ती से देख रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है कि कौन है। कौन है? कहाँ से दिखाई दे दिया? तो प्लान ऐसा है कि जो है हम चारों लोग घर चले जाएंगे, मम्मी चली जाएंगे मामा के यहाँ, यानी अपने भाई के यहाँ जाएंगे, वहाँ मिलेंगे सबसे, और 1-2 दिन बाद आएंगे आगरा, और हम लोग निकल रहे हैं घर क्योंकि हम लोगों के हैं ऑफिस। आज है संडे की शाम और ट्रेन लेट नहीं हुई होती तो हम लोग पहुंच जाते अब तक घर, लेकिन देखा ही आपने हम लोग कैब से आए हरिद्वार से। ये दोस्तों रेलवे स्टेशन पे इधर उधर जाने के लिए पापा ने व्हील चेयर कर दिया है दादी के लिए, ताकि जो है उन्हें चलना ना पड़े। जब भी बड़े बुजुर्गों के साथ जाते हैं तो उनको चलने में चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए करना बहुत ज़रूरी था। ये भी बैठ गया इसी पे, गप्पू पहलवान छोटा सा, चलने के लिए दिल्ली पे बहुत सावधान रहना पड़ता है जेब कतरों से, और बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती। हम लोग पीछे पीछे सामान लेके आ रहे हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन पे बहुत भीड़ होती है, कभी भी आप आएंगे तो हमेशा इससे और इससे ज़्यादा ही भीड़ पाएंगे, कभी भी भीड़ कम नहीं होती। सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये इंडिया का, हर जगह यहाँ की ट्रेन जाती है, तो लोग यहाँ से पकड़ने आते हैं ट्रेन। हम जानते हर चीज़ जानते हैं, ये लेट लतीफ़ आदमी है, और गाड़ी को कैसे लाते हम? ये दोस्तों अपनी ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस तो पहुंच गए, अब अंदर चलते हैं। आ गए दोस्तों ट्रेन में, आराम से बैठ गए, दादी भी बैठ, गप्पू पहलवान खुश है ट्रेन में बैठकर, बैठा है कि खड़ा है पता ही नहीं चल रहा गप्पू पहलवान का। अरे छोले भटूरे जो लाए थे हल्दीराम से, पापा खा रहे हैं। आज दिल्ली में बहुत सुविधा हो गई है, और आपका KFC, हल्दीराम, सारी चीजें जो है प्लेटफॉर्म से बाहर जो है थोड़ी दूरी पे 1 किलोमीटर बाद IRCTC ने सुविधा करा दिया है, लेकिन रेट महंगे हैं,
बस वही है, लेकिन आपको क्वालिटी का खाना जो बाहर मिलता है सेम खाना जो है उपलब्ध हो जाता है। और लॉन्स की भी फैसिलिटी है आजकल, जैसे एयरपोर्ट पे होता है आपका वैसे ही सेम लॉन्च की फैसिलिटी आपका रेलवे स्टेशन पर भी है। दोस्तों इसके ट्रेन में भी मसाज हो रही है, वो मस्ती कर रहा है गप्पू पहलवान, छोटा सा गप्पू पहलवान गप्पू कभी क्या निकाल से छोटा सा गप्पू जो है पहलवानी कर रहा हूँ। ये दोस्तों सामान ले आए हैं दरवाजे पे, दादी भी बैठ गए हैं, रात में सारे लोग जग गए हैं, सामान वगैरह सब दरवाजे पे आ गया है, बिल्कुल तैयार हैं हम लोग उतरने के लिए, और राजा की मंडी आ गया है। चलिए दोस्तों आ गए हैं, चलते हैं अब लोग हम लोग अपने घर की तरफ।